इलाके शाहीन नगर की आवाम ने मुर्दा ऊँटों से फैलने वाले ताफुन के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए मुतालिका हुकाम पर जोर दिया है कि वो इस मसले पर फौरी तवज्जो दें। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल पुलिस ने गैर कानूनी ऊँटों के ज़बीहे का पता लगाया था। तफसीलात के मुताबिक पुलिस की जानिब से चंद रोज़ कबल शाहीन नगर के इलाके में एक इतला पर एक इहाते में रखे हुए 97 गैर कानूनी ऊँटों को कब्जे में लिया गया था। इन ऊँटों को ज़ुबाह करते हुए चंद अफराद ऊँट के गोश्त को बैरून मुल्क रवाना कर रहे थे। पुलिस ने इन ऊँटों को अपने कब्जे में ले लिया था, ताहम ऊँटों को इसी मकाम पर छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद 97 ऊँटों में से 24 ऊँटों की मौत वाक़ हो गई, जिसके नतीजे में इस मकाम पर ताफुन फैल गया और मकामी आवाम और बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं और मकामी आवाम ने बरहमी का इजहार किया और मुतालिका हुकाम और पुलिस अहदेदारों से इन बाकी बचे हुए ऊँटों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी, मैं वादी उमर रहने वाला इसी मुकाम पर, ये यहाँ पर बाउंड्री में शाहीन नगर में तकरीबन 84 ऊँट लेकर आकर रखे, जिसमें से रोज़ाना 10-12 ऊँट मर जा रहे हैं। मरने के बिना के ऊपर यहाँ पे पोल्ट्री और इससे जरासीम पैदा हो के आजू बाजू वालों के बच्चों के सेहतें ख़राब हो रही। और दूसरी चीज़, यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल इसी मुकाम पर है, स्कूल के बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा। पुलिस वालों से हमारी अदबन गुजारिश है कि यह यहाँ से उठाए, फॉरेस्ट वालों के हवाले करे या जंगल में लेके जाए, जहाँ पर इंसानों का बस गुजर बसर नहीं होता, वैसी जगह ले जाकर ये रखे। आबादी में बीमारियाँ बहुत फैल रही। और एक बार मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे अपने बच्चे को भी जो है मैं नीलोफर हॉस्पिटल में 5 नवंबर को लेकर गया, मेरा बच्चा भी नीलोफर दवाखाने में है। ऐसे कई घरों के बच्चे बीमार है, गरीब लोगों का एरिया है, यहाँ पे अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते। लिहाजा जो है पुलिस वालों से गुजारिश है कि यहाँ से ये ऊँटा फौरी हटाएँ और यहाँ पर साफ़ सफाई करें, दवा का छिनकाई करें। रोज़ ऊँटा मर रही, वो आ रही है, खयाँ कर ले रही, बीमार आदमी आए घर में, छोटे बच्चे हैं, बोले तो सुन, लेके भी नहीं जा रही, मरे से लोगों को भी नहीं उठा रहे हैं, ऐसी डाल के रखे हुए। कितने दिन से है अम्मा ये? 15 दिन हो गए, 15 दिन से है ये लोग। 15 दिन से यही ऐसी बो आ रही है? हाँ, ऐसी जब काट रहे थे तो भी बो आ रही थी, जब वो डाल के सब रख रहे थे ना, बो आ रही थी जब भी, बोलने बोलने को फिर लेके जा रहे थे वो। पुलिस से क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, यहाँ से हटा दो, ये उठा दो बोलना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ बहुत से आदमी आए, देखो बीमार है, औरत खयाँ कर ले रहे उन्होंने रोज़, छोटे छोटे बच्चे वाले कैसा रहेंगे, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, बुखार आ जा रहे हैं, तबीयत खराब हो रही। 12 मर रहे, हम लोग को बहुत बो आ रही, बहुत परेशानी हो रही, बच्चों को रोज़ दवाखाने ले जाना पड़ रहा। पहले तो काट रहे थे, बहुत बो आ रही थी, बर्दाश्त कर ले रहे थे, इन्होंने नहीं बोल सकते, बड़े लोग नहीं बोल सकते बोलते, अब मर गए तो भी नहीं लेके जा रहे, रोज़ 10-12 बहुत काट रहे। यहाँ बहुत बीमारी आ रही, हमारा घर नज़दीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़ रोज़ बीमार पड़ रहे, सब मच्छर वच्छर सब भर गए घर में। यहाँ मर गए तो भी पुलिस वाले कुछ करना या फिर फॉरेस्ट वाले लिख जाना, पुलिस वाले भी बहुत फिर रहे कर रहे, लेकिन कुछ उठा रहे कर रहे नहीं, रोज़ रोज़ मर रहे। या फॉरेस्ट वाले क्या बोलते हैं, वो फेंकने वाले कचरे वाले कुछ तो भी लेके जाना ना, वो रोज़ इतने बड़े बड़े मर रहे, छोटे छोटे बकरियाँ भी नहीं, इतने बड़े ऊँटों की बो है, क्या करना।